हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक से रिलेटेड जो कि आपने थंबनेल में देख लिए, जीएनए एक्सएल एज वेल एज हम बात करने वाले एशियन ग्रैनाइट के बारे में। दोनों स्टॉक्स काफी बेहतरीन स्टॉक, काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर यहाँ पर है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर मैं बात करूँ तो दोनों स्टॉक आज की एज में यहाँ पर गिरते हुए नजर आए, और वो गिरना एक अपॉर्चुनिटी है। याद रखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कुछ चीजें गिरने लग जाती है, वीडियो बनाई जाती है तो वो बेफालतू की उनकी चीजें बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए थोड़े सा गिर जाता है तो हाई प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाई प्रॉब्लम मतलब की जरूरत नहीं, स्टॉक मार्केट है, अगर गिरी हुई चीज को कोई चीज गिरती है और अच्छी चीज गिरती है तो उसे खरीदोगे तभी पैसा बनेगा, वरना पैसा नहीं बनेगा। इस चीज को याद रखिए, वरना आप जब नीचे गिरेगा आप बेच लेंगे, जब ऊपर जाएगा आप खरीद लेंगे, फिर वो नीचे गिरेगा आप फिर बेच लेंगे। तो इस तरीके से ही चीजें चलती रहेंगी और इसलिए उनके इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं बनाता। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उन दो स्टॉक्स के बारे में, आपको पूरी स्टडी बताऊंगा। तो वीडियो में आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल को इन्वेस्ट फॉरएवर आपका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस से मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फ्रेंड्स या फैमिली को स्टडी करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी फ्रेंड्स या जिसका लाभ उठा सकते हैं और अलग अलग हमारे जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। इस वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत से आपकी वीडियो को लाइक की जाती है। तो हम बात कर रहे हैं दो स्टॉक से लेकर, सबसे पहले हम बात करेंगे जीएनए एक्सएल। आपको बहुत टाइम पहले मैंने बताया था, लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 700 कुछ पे मैंने यहाँ पर आपको एक शेयर बताया था, ओके 750 के आसपास में रील आएंगे तो मैंने आपको एक शेयर बताया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए नीचे गिरा, नीचे गिरते फिर ऊपर भागा, और जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर बेकार आया तो यहाँ पर ये शेयर अभी गिरता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें आज के दिन में 10%, कल के दिन में लगभग 3-5%, और उससे पहले भी अगर बात करें 11%, तो लगभग 20% की गिरावट हो चुकी है। 20% का नेगेटिव पोर्टफोलियो मेरा भी होता हुआ नजर आया है, और जिसके पास भी शेयर होगा तो यहाँ पर होता हुआ नजर आया ही होगा। तो क्या हमें यहाँ पर चीजें बेच देनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? ओके यहाँ पर क्यों कुछ चीजें अगर गिर जाती है यहाँ पर खरीदने का होता है ना कि यहाँ पर हाई टोबर बचाने का होता है, ना ही रोने के लिए होता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो चीजें जब गिरती है ना तो हमेशा वॉरेन बफेट साहब क्या कहते हैं, जब यहाँ पर लोग डर रहे हो ओके उस टाइम खरीदना चाहिए, जब लोग लालची हो गए उस टाइम हमें बेचना चाहिए। तो इस चीज को चीजों को समझने की आपको जरूरत है। तो अगर आप उस तरीके से आप प्ले करेंगे तो यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। गिरा बेशक से 30% है, जब ये भागेगा तो यहाँ पर याद रखिएगा ये 30% है आपका। यहाँ पर देखिए 50% की गिरावट हुई है शेयर में इसके टॉप से, बट अगर ये जब भागेगा तो यहाँ पर 1-4%, और ये राउंडिंग बॉटम बना के इस तरीके से भागेगा, क्योंकि इसी तरीके से चीजें चलती है। क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा शेयर यहाँ पर जंप दे दी थी शेयर में, इसके बाद यहाँ पर गिरावट हुई है, तो ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है, और जब भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आती है उसका फायदा होता है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, ओके 3 महीने 6 महीने 1 साल लग सकता है, बट 1 साल में अगर आपको 104% के रिटर्न मिल गया, अगर आपको 1.5 साल भी लग गया और 104% के रिटर्न मिल गए तो क्या आपके लिए बेकार है? मुझे तो नहीं लगता है बेकार है। इट इज़ द बेटर डील, इट इज़ द बेस्ट डील अगर बात की जाए मार्केट में, क्योंकि मार्केट में क्या है, हम डील ही तो करते हैं हमें या कोई चीज़ खरीदनी है या बेचनी है, तो क्या है क्या नहीं है इससे इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए शेयर का 52 गया है हाई लगभग 1100-1100 रुपये, ओके इसके बाद से लगातार गिरावट है, 542 रुपये से शेयर आ चुका है 50% डाउन, और यहाँ पर आज के दिन में लगभग 50% के शेयर यहाँ पर खरीदे गए। अब बात कर लेते हैं जीएनए एक्सएल के लिए, शेयर गिरा क्यों है उससे बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझना होगा इसके बिजनेस को, यहाँ पर आपने ऑटो एंसिलरीज के स्टॉक्स को देखा, ऑटो एंसिलरीज के स्टॉक्स यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये फोर व्हीलर में ये रियर एक्सेस शाफ्ट स्पाइंडर्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स के कंपोनेंट में ये कंपनी काम करती है, डोमेस्टिक फॉर्म मार्केट में अच्छी खासी पकड़ है इनकी, ओके और काफ़ी बेहतरीन और लार्ज प्रोडक्शन ये करती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इन पर्टिकुलर सेगमेंट में। स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी देखिए जब रिटर्न देती है तो इसी तरीके से देखिए कि कैसे ये शेयर यहाँ पर अगर हम दिसंबर से बात करें, दिसंबर से दिसंबर मतलब एक साल में ये शेयर कहाँ से 250 रुपये से 4 गुना आपका 1100 हो गया, मतलब 4 गुना आपका पैसा यहाँ पर कर दिया यहाँ पर। और अगर इसी तरीके से गिरावट होती है, गिरावट भी इसी तरीके से होगी 50% यहाँ पर उसने से ले लिया, और एक अच्छी खासी भागने के बाद अगर गिरावट होगी कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ऐसी गिरावट देखिए पहले भी हुई है, पहले जब जितनी ज़्यादा गिरावट होती है उसमें एक भागता भी है शेयर, याद रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि ये शेयर पहली बार गिरा है, इससे पहले भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जब आया था उसके बाद गिरावट हुई भागा, फिर यहाँ पर गिरावट हुई फिर भागा और फिर गिरावट हुई फिर भागेगा, क्यों भागेगा?
क्योंकि इसके फंडामेंटल्स यहाँ पर देखिए 37% का डेट में ज्यादा गया था, आरओसी आरओई यहाँ पर 15-14% की है। पीई की बात करें 11 के पीई पे शेयर मिल रहा है और यहाँ पर 50% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। इंटरेस्टिंग वैल्यू के आसपास ये शेयर आ चुका है, जिसका फेस वैल्यू है। इसके अलावा यहाँ पर गिरा क्यों था उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं, तो कंपनी के जो रिजल्ट थे इस बार यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स कंपनी की जो सेल्स थी थोड़ी सी कम होती है नजर आई। यहाँ पर आप देख लीजिए पूरी की यहाँ पर सेल्स में इफेक्ट आता हुआ दिखाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े से यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए थे। यहाँ पर देखिए लगभग एम्प्लॉइज कॉस्ट कुछ ज्यादा होती हुई नजर आई थी, एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा होते हुए नजर आए थे। इस वजह से इसका जो प्रॉफिट है कंपनी देखिए प्रॉफिट नहीं है बट स्टिल यहाँ पर प्रॉफिट है थोड़ा सा यहाँ पर घटता हुआ नजर आया। 17 करोड़ 25 करोड़ का जो प्रॉफिट था ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टरली बेसिस पे वो गिरावट थी, एज वेल एज ईयरली बेसिस पे जो 27 करोड़ था वो 17 करोड़ रह गया। ओके इस वजह से यहाँ पर एक बड़ी गिरावट होती है नजर आई, क्योंकि ये गिरावट हो चुकी है और थोड़ा बहुत और गिर रहा था, गिर जाने दीजिए ना क्या फर्क पड़ता है, और खरीदा जाएगा। यहाँ पर मैंने आज की डेट में कुछ शेयर और ऐड किए। इसमें शेयर की बात करें तो देखिए ग्रोथ कहाँ से पता चलती है, एक आध क्वार्टर की में यहाँ पर ग्रोथ नहीं पता चलती, क्योंकि कुछ क्वार्टर होते हैं कि किसी कंपनी के लिए बेकार होते हैं, कुछ क्वार्टर ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ के लिए अच्छे होते हैं, तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पर देखिए एक अच्छी खासी ग्रोथ है, 310 करोड़ से लेके हर साल यहाँ पर ग्रोथ है। यहाँ पर कोई साल ऐसा नहीं किया कि यहाँ पर कंपनी ने बेकार परफॉर्मेंस किया हो, हर साल अच्छा परफॉर्मेंस किया है और हाईएस्ट एवर अभी भी पिछले 12 महीने की बात करें 1280 करोड़ की हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे कंपनी बैठी है, लगातार 7 करोड़ से 15 करोड़ पे पहुंच रही है। तो यही कंपनी पैसे देगी और जब गिरावट हो रही है तो इसको हमें लाभ इसका फायदा उठाना है, ना कि हमें ये शेयर बेचना है। रिजल्ट्स की बात करें रिजल्ट देखिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वॉरंट थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे लगा रखे हैं कंपनी में, छोटी कंपनी है इसी तरीके से बिहेव करेगी, 3100 तक कैश भी है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग 7% की है। एफ आई एस की बात करें एफ आई एस थोड़ी सी होल्डिंग घटाई है बट स्टिल 1.5% की होल्डिंग है। बी आई एस के पास यहाँ पर लगभग 9% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास बात करें 21% की हिस्सेदारी है। और यहाँ पर जब ये चीज़ें गिर रही है ना एफ आई जाएंगे तो यही चीज़ करेंगे और कुछ अलग यहाँ से मार्केट में पैदा तो करेंगे नहीं, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ये शेयर देखिए 25 के आर एस आई पे आ चुका है। सपोर्ट की बात करें तो एक बेहतरीन थे यहाँ पर, पहले यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था वही इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। ओके गिरने को ये और भी गिर सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक गिराना है ऑपरेटर को जब तक गिराना है गिराएंगे, क्योंकि ऑपरेटर की चाल होती है उन्हीं को गिराना, तो उन्हें रिजल्ट पसंद नहीं आया। ओके और सबको ही पसंद नहीं आया रिजल्ट एक्चुअली है, बट यहाँ पर गिराना है उन्हें गिराना है, और जब यहाँ पर चीज़ें खरीदनी होगी थोड़ा सा वेट करेंगे कंसोलिडेट करेंगे तो खरीदेंगे और खरीद के फिर दोबारा ऊपर ले जाएंगे और एक राउंडिंग बॉटम उस तरीके का 4% बना के थोड़ा सा टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, 1.5 साल भी लग सकते हैं और 2 साल भी लग सकते हैं। और 2 साल में भी अगर 1.4% के रिटर्न आते हैं तो 2 साल में 1.4% के रिटर्न का मतलब क्या है, 2 साल में 1.4% के रिटर्न का मतलब है कि 50% ईयरली बेसिस पे आपका पैसा बन रहा है, और मैं अगर 40% की बात करता हूँ 40% बन जाए बहुत है, बट यहाँ पर थोड़ा सा गिर चुका है, हमने यहाँ पर खरीदा था ओके गिर चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी आफत नहीं है, देखिए समझने की कोशिश करें। अब बात करते एशियन सिरेमिक है, बार बार वीडियो बनाई है, बार बार आपको बताया आज की डेट में भी बात करें 5-6% एशियन यहाँ पर टूट चुका है। अगेन मैंने यहाँ पर आज इसमें भी बाइंग करी है ओके, क्यों, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आ रहा है एज वेल एज ये शेयर एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है, बहुत जल्दी देखवा के ले लीजिए। 2 साल में आपका पैसा 1 से 2 साल के अंदर आपका पैसा यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यही चीज अब बची हुई है जो कि यहाँ पर चलनी है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता देते हैं, यहाँ पर देखिए 257 रुपये पे एक शेयर खो गया था, उसके बाद 117 रुपये उसी के आसपास दोबारा यहाँ पर शेयर आ गया, 50-20 लोग के आसपास आ गया। यहाँ पर बात करें आज के दिन में देखिए लगभग 7 लाख शेयर डिलीवरी यहाँ पर ट्रेड हुए, इसमें से 50% 30 लाख शेयर तो हाथों हाथ यहाँ पर किसने देखे इन्वेस्टर ने खरीद लिए, क्योंकि उन्हें पता है ये शेयर एक कंपनी है बेहतरीन कंपनी है। और कुछ फैक्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, देखिए यहाँ पर कंपनी ईपीएस भी लाती है, राइट इशू एप्लीकेशन लेकर आई थी। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते 26% के यहाँ पर शेयर प्रमोटर्स की बात है और कोई शेयर यहाँ पर गिर नहीं है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको फैक्ट दिखाऊंगा, उस फैक्ट को बिलीव कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। एशियन सिरेमिकों से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए आपने देखा है प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज किस तरीके से रियलिटी सेक्टर बूम कर रहा है, रियलिटी सेक्टर किस तरीके से यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है,
रियलिटी सेक्टर यहाँ पर लोग भूल गए, बड़े बड़े लोग यहाँ पर कह रहे हैं रियलिटी सेक्टर के लिए 10 साल बाद ऐसी 10 से 15 10-12 साल बाद ऐसी वैल्यू ऐसी नजर आएगी, और ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो यहाँ पर एक चीज़ें चलती नजर आएगी। तो जब रियलिटी सेक्टर यहाँ पर बूम कर रहा है तो रियलिटी सेक्टर केवल बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बिल्डिंग के अंदर भी तो चीज़ें लगेगी। तो यहाँ पर बात करें लीडिंग सेरामिक कंपनी है, ओके टाइल्स की कंपनी है, और यहाँ पर बात करें तो इस्टेब्लिश 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी। सेरामिक टाइल एज वेल एज इंजीनियरिंग मार्बल्स मार्बल्स बनाती है, क्वार्ट्ज बनाती है, ग्लोबल मार्केट प्लेयर है और बहुत बेहतरीन यहाँ पर इनका पोर्टफोलियो है। और यहाँ पर बड़े अगर हम बात करें यहाँ पर ये विदेशों में अपना माल सप्लाई करते हैं, और इसके अलावा बेहतरीन कंपनी नजर आती है, स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी है, बट इस केस पे याद रखिएगा माइक्रो कैप कंपनी है, बट ऐसी ही माइक्रो कैप कंपनी कब लार्ज कैप में बदल जाती है तो वो आपको खुद ही पता चलेगी। पी की बात करें 6 के PE पे स्टॉक्स मिल रहा है, 36% की डेल्टा है। आरओसी की बात करें 12 और 10 की आरओसी आरओई है रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पर बात करें अच्छा खासा शेयर यहाँ पर हाफ करेक्ट हो चुका है, 10 का फेस वैल्यू नजर आता है, और इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें 175 और बुक वैल्यू के आसपास शेयर चल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पर थोड़ा जब मैं दिखाऊँ तो देखिए शेयर जब भागता है तो इसी तरीके से भागता है माइक्रो कैप कंपनी है, बट गिरावट होती है तो उसी तरीके की गिरावट होती है, एक सपोर्ट पे यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, और चीज़ें यहाँ से अब यहाँ पर डबल होती हुई नजर आ रही है, फुल डबल होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर दिख रही है। लास्ट टाइम के रिजल्ट देखिए यहाँ पर 376 यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे देखे और ईयरली बेसिस पे देखे तो यहाँ पर सेल्स हाईएस्ट एवर है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट को यहाँ पर देखिए ईयरली बेसिस पे देख लीजिए चाहे क्वार्टरली बेसिस पे देख लीजिए 54 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ओके क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे। और यहाँ पर देखिए तो अदर इनकम कह सकते हैं कोई लोग की अदर इनकम यहाँ पर, तो अदर इनकम भी इन्हीं की आती है, और अदर इनकम को भी हटा दिए तब भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर नजर आता है, ईपीएस कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एज वेल एज यहाँ पर ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे जहाँ 170 अगर बात करें 170 करोड़ रुपये की सेल्स थी वो यहाँ पर 1400 करोड़ रुपए की सेल्स 1500 करोड़ की सेल्स की आ गई है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस हर साल कंपनी का देखिए यहाँ पर सेल्स बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट जब 23 करोड़ का था वो 107 करोड़ में पहुंच गया, तो कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गुजरात में ये सबसे बड़ा यहाँ पर शहर में कैसे टाइप का बहुत बड़ा शोरूम यहाँ पर ओपन करने का इनका विचार है। रिजल्ट देखिए कंपनी के रिजल्ट बढ़ रहे हैं, बोरिंग की बात करें बोरिंग कंटिन्यूसली कम होती हुई नजर आ रही है, देखिए बोरिंग हर क्वार्टर में कम करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्किंग प्रोग्रेस में 10 करोड़, इन्वेस्टमेंट 11 करोड़, कैश यहाँ पर 18 करोड़ रुपए, और यहाँ पर जो भी पैसा आ रहा है यहाँ पर बुक में दिखाई देता है। यहाँ पर आरओसी इनकी बढ़ रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई थी, ओके आपको पता ही है कंपनी इसके प्रमोटर्स हैं, जस्ट बिकॉज इन्हें अपना कर्जा कम करना था इसलिए यहाँ पर शेयर बेचे थे। एफआईएस की बात करें एफआईएस ने यहाँ पर देखिए होल्डिंग बढ़ाई है 0.2% की होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईएस की बात करें 0.01% की होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक की बात करें पब्लिक यहाँ 73% के शेयर है, बट उसमें से भी कुछ बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग दे रखी है। तो ज़्यादातर शेयर किसके पास है, यहाँ पर पब्लिक के पास है या ऑपरेटर के पास है, तो ऑपरेटर के पास जब शेयर है इतने ज़्यादा शेयर है तो याद रखिए ऐसे शेयर को ऑपरेटर ही एक्टिव यहाँ पर चलाते हैं, तो ऑपरेटर को जब गिराना है तो यहाँ पर गिरा रहे हैं, ओके और जब इनका मन करेगा जब वहाँ तक गिराएंगे टू भी वेरी फ्रेंड जहाँ मन करेगा वहाँ गिराएंगे, बस यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है एक तो एक जहाँ पर ये रुका हुआ है, ओके एक यहाँ पर बेहतरीन लास्ट टाइम नहीं इसी सपोर्ट पर रुक के ऊपर गया था तो इसी सपोर्ट पर दोबारा आ गया, इस फिर भी अगर ये यहाँ पर गिरता है तो यहाँ पर और थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, और अगर गिरावट आती है तो खरीद लीजिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे पहले यहाँ पर रुका था, इससे पहले यहाँ रुका था और रुकने के बाद चीज़ें यहाँ पर देखिए ऊपर जाती हुई दिखाई दी थी। इसका शुरुआती टारगेट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर तीन यहाँ से देखिए जब गिरा था तो 300 रुपये का यहाँ पर टारगेट आया था, सेम एज इट इज अगर यहाँ से ये भागा और 300 रुपये यहाँ पर अपने प्रीवियस हाई तक भी गया तो 155% के रिटर्न होते हैं। और यहाँ पर रिजल्ट दिखा दिए क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसके अगर शेयर गिर रहा है और आप यहाँ पर डर के बेच देंगे तो याद रखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, चीज़ें गिर रही है तो यहाँ पर खरीद लीजिए, 10 रुपये का यहाँ पर लॉस यहाँ पर रिस्क दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर प्रॉफिट 155 रुपये का, और इसी को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। और जो वॉल्यूम दिखाई दे रही है ना ऐसे वॉल्यूम कभी नहीं आए, याद रखिएगा ऐसे वॉल्यूम कभी नहीं आए, चाहे इससे पहले यहाँ पर भी देखेंगे तो ऐसे वॉल्यूम देखिए कभी नहीं आते हुए दिखाई दिए, यहाँ पर देखिए कभी कभी किसी भी एंगल से यहाँ पर इस तरीके के वॉल्यूम नहीं आए, तो यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम भी आ रहे हैं।
अब चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, और जब चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी ऑपरेटर डरा रहे हैं, डराने के बाद यहाँ पर क्लियर निकलेगी। तो सबसे पहला टारगेट यही है, और सच बताऊँ तो टारगेट 600 पे ही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके, बड़े बड़े लोग इसी पर्टिकुलर सेक्टर पे यहाँ पर बुलिश है, तो यहाँ पर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बट अपने क्योंकि स्टडी करके यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं देता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं यहाँ पर इन पर्टिकुलर शेयर में ऑलरेडी बायर हूँ और यहाँ पर खरीद रहा हूँ। थैंक यू सो मच।